बैठक में ये पता चला कि नई आंदोलन की बात हो रही है। नए आंदोलन की बात वही आंदोलन शुरू कर दी है। वो तो सिटी मजिस्ट्रेट छात्र कर्फ्यू के दिन शाम को रात छात्र कर्फ्यू इतना जबरदस्त सफल हुआ कि शाम को सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी एडिशनल एसपी कोतवाल सहित सारे लोग आए और सिटी मजिस्ट्रेट ने अवसर स्थल पर जिस पर आदित्य प्रताप सिंह जोगी सूरज गुप्ता कुंकू यादव बैठे थे पाँचवा दिन था शाम को आए अनशन स्थल पर और कहे कि 10 दिन के अंदर सीएमएस को निलंबित कर दिया जाएगा नहीं तो बलिया से हटा दिया जाएगा। ये हमारे विश्वास पर मेरा आश्वासन है मैं करा कर रहूँगा उनके आश्वासन पर समाप्त हुआ। लेकिन दुखद बात यह हुआ कि उसी रात उनका ट्रांसफ़र वो सीएमएस नहीं हटाए गए उन्हीं को हटा दिया गया और 10 दिन के अंदर देखा गया सीएमएस नहीं हटे हैं और जो लिखित नियम के द्वारा दिया गया है वो भी नहीं माने हैं। डॉक्टर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने डेरे पर बैठ करके बेड बेच रहे हैं और दवा बेच रहे हैं और वहीं से अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीएमएस वहीं से अपने पर डेरे पर बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, आप मरीजों का भोजन बेच रहे हैं। यहाँ तक देखिए एक्सरे मशीन का 5 दिन एक्सरे प्लेट नहीं रह रहा गायब हो जा रहा है। अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है कई महीनों से 6 लाख रुपया खाती वो सुन रहे हैं कि नहीं बन पा रही है और बना के नहीं एक दो दिन में यही देखने के लिए सारा चीज ध्वस्त हो गया है। और डीएम साहिबा जो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा घोषणा कराई थी वो फेल हुआ है। कल सिटी डीएम साहब के ऑफिस में छात्र नेताओं का प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनका आश्वासन मिला कि नहीं सीएमएस 24 घंटे के अंदर हटा दिए जाएंगे तो ठीक नहीं तो हम लोग जबरदस्त तरीके से 6 अक्टूबर को बलिया जेल को भरेंगे। ठीक।